स्टूडेंट, आज आप लोगों को पहला पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको ऊपर देखिए दिया हुआ है। राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि, बोली और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, नीचे देखिए आप, मैंने कुछ फिल किया हुआ है, भारतीय भाषाएं संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, नेपाली, अब आपको विदेशी भाषाएं खुद से लिखना है। ठीक है, फिर आगे जाइए, अब भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, अब आपको एक चीज और समझना है, कुछ क्वेश्चन पीछे आपके पीडीएफ में जाएगा और आंसर मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या कौन सा होगा। ठीक है, तो उत्तर क का यहाँ, प्रश्न क का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, दो, कौन कौन, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जो बोल करके प्रकट किया जाता है, यानी किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्या है, मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जो लिख करके हम प्रकट करते हैं, जैसे निबंध लिखना हो, कहानी लिखना हो, ये क्या हो जा रहा है, आपका लिखित भाषा। ठीक है, अब आगे आप जाएंगे, अब आप देखिए मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो हम अपने माता पिता परिवार से सीखते और अपनाते हैं। गुजराती परिवार के बच्चों की मातृभाषा गुजराती तथा हिंदी भाषी परिवार के बच्चों की मातृभाषा क्या होती है, हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। ठीक है, अब बोली देखिए, अब यहाँ पे फिर हम उत्तर ग लिखे हुए हैं, तो ये आपके पीछे प्रश्न जाएगा, उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे जाइए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और साहित्यिक भाषा, कुछ आपको वहाँ क्वेश्चन दिए रहेंगे, अंतर राष्ट्रभाषा और बोली में अंतर दिया हो रहेगा, तो आप बोली और राष्ट्रभाषा दोनों को आप डिवाइड करके, बीच में पार्टीशन करके, लाइन खींच करके और लिखेंगे अंतर। ठीक है, साहित्यिक भाषा ज्ञान राशि की सचित्र कोष को साहित्य कहते हैं, साहित्य के द्वारा ही कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में किसी जाति या वर्ग का जीवन रूप पाठक के सामने आता है। साहित्य ही मनुष्य की अनुभूति के अनेक पक्षों की उजागर कर उनसे पाठक की परिचित करवाता है। साहित्य की भाषा ही साहित्यिक भाषा कहलाती है, इसमें कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार के अपने अनुभव रचना के रूप में साकार होते हैं, यानी सामने आते हैं। हिंदी भाषा का विपुल साहित्य इसकी समृद्धि का प्रमाण है। भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हिंदी का बोलबाला है, यानी ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, नीचे देखिए, प्रांत और भाषा, अब कौन सा प्रांत है और उसकी भाषा क्या है, ये नीचे आपको सारणी बना के दिया गया है। ठीक, अब नीचे जाइए आप लोग, लिपि, लिपि किसे कहते हैं बच्चों, तो मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों को उनके संकेत चिन्हों के द्वारा प्रकट करने अर्थात उनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी, अभी मैं बताई, ऐसे संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या होती है, देवनागरी। ठीक है, अब आप आगे जाइए, व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, आप लोगों को उत्तर नंबर आपका दिया हुआ है, तो फिर प्रश्न आप पीछे से लिखेंगे और उत्तर यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, तो ये आपका व्याकरण का, देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, व्याकरण के कितने विभाग हैं, तीन, कौन कौन, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब ये इन तीनों के डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप कंसल्ट करिएगा। ओके, धन्यवाद।